बच्चों, मैं संजीदा, हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, खूब मेहनत से पढ़िए। चलिए हम लोग आज की कक्षा आरंभ करते हैं। बच्चों, हम लोग अपनी पाठ्यपुस्तक परिवेश के पाठ 8 प्रकरण मैं कूड़ेदान हूँ इसको पढ़ रहे थे ना, तो इसके कुछ अभ्यास के प्रश्नों को भी हम लोगों ने किया और कुछ प्रश्न अभी छूटे हुए हैं, आइए उनको हम लोग करते हैं। ठीक है, पेज नंबर 61 पर देखिए, पेज नंबर कितना है 61, भाषा की बात दिया है, यही आपको करना है। देखिए इसमें क्या बताया गया है, जिन शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे कूड़ेदान के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, हरा कूड़ेदान। कूड़ेदान कैसा है? हरा है, क्योंकि कूड़ेदान की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है कि कूड़ेदान हरा है, तो हरा क्या है? विशेषण है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार नीचे दिए विशेषणों को सही जगह पर लिखना है। देखिए बॉक्स में विशेषण शब्द दिए हुए हैं, उन्हें आपको सही स्थान पर लिखना है। जैसे शब्द दिया है साड़ी, साड़ी कैसी है? विशेषण क्या होगा इसका? बॉक्स में देखिए, हरी, हरी है साड़ी, हरी है, तो साड़ी की विशेषता बताई जा रही है कि साड़ी हरी है। आप क्या लिखेंगे यहां पर? हरी साड़ी। साड़ी कैसी है? हरी है। हरी क्या है? विशेषण है। ठीक है, इसी प्रकार दिया है कुर्ता, कुर्ता कैसा है बताइए बच्चों। बॉक्स में देखिए क्या दिया है, कुर्ता कैसा है? पीला। कुर्ता की विशेषता बताई जा रही है, पीला कुर्ता, कुर्ता पीला है, तो पीला क्या है बताइए? पीला विशेषण है। इसके बाद है आपका सैनिक, सैनिक कैसा है? विशेषण बताइए इसका। बॉक्स में दिया है वीर, वीर सैनिक। सैनिक कैसा है? सैनिक वीर है। ठीक है, इसके बाद है पेड़, पेड़ कैसा है? पेड़ की विशेषता बताइए। बॉक्स में दिया है मोटा, पेड़ कैसा है? मोटा है। ठीक है, तो मोटा क्या है? पेड़ की विशेषता बता रहा है। इसके बाद है चांद, चांद कैसा है बताइए? चांद कैसा है? बॉक्स में दिया है गोल, चांद गोल होता है, तो गोल क्या है? चांद की विशेषता बता रहा है, इसलिए गोल विशेषण है। ठीक है, चटनी, चटनी कैसी है? आप सभी बच्चे चटनी खाते होंगे, कैसी है? देखिए बॉक्स में क्या दिया है विशेषण में, मीठी, मीठी चटनी। खाते होंगे मीठी चटनी, तो चटनी कैसी है? मीठी है, इसलिए चटनी की विशेषता बताई जा रही है कि चटनी मीठी है। ठीक है, इसको आप सभी लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए दूसरा है, दूसरा क्या है? नीचे दिए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्दों को वर्ग पहेली से ढूंढकर लिखना है। इसमें एक वर्ग बना हुआ है, उसमें बहुत सारे अक्षर लिखे हुए हैं, इनसे आपको शब्द बनाने हैं और वो भी समान अर्थ वाले। क्या दिया है? विश्व, विश्व के समान अर्थ वाले।
वाले शब्द क्या होंगे? देखिए आपके वर्ग में दिया हुआ है संसार, ठीक है, तो आप लिखेंगे संसार और वर्ग में आपको गोला बना देना है। चलिए विश्व का लिख लीजिए, विश्व का क्या लिखेंगे? संसार। विश्व के समान अर्थ वाले शब्द हैं ये। ज्यादा का क्या दिया है? वर्ग पहले में ढूंढिए, ज्यादा दिया है अधिक, अधिक पर आप सभी गोला बनाइए। इसके बाद है आपका दिया है शरीर, शरीर के समान अर्थ क्या दिए हैं इसमें? वर्ग पहले में देह, ठीक है, देह, देह पर गोला बना लीजिए वर्ग में। इसके बाद है आपका स्थान, स्थान के समान अर्थ क्या दिए हैं इसमें? देखिए जगह, लिखते रहिए बच्चों, सभी लोग मेरे साथ लिखते चलिए। इसके बाद है आपका भय, भय का क्या दिया है? देखिए भय का क्या दिया है? डर, डर दिया है, ठीक है। नित्य का क्या दिया है? नित्य, प्रतिदिन, ठीक है, नित्य का दिया है बॉक्स में आपके रोज। धरती का क्या दिया है? धरती का दिया है समान अर्थ जमीन। सभी बच्चे लिखते रहिए। आवश्यकता का क्या दिया है? आवश्यकता, आवश्यकता का दिया है वर्ग में जरूरत। क्या दिया है? जरूरत, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया सभी के। इसके बाद तीसरा लिख लीजिए, नीचे दिए वाक्यों में आए सर्वनाम शब्दों पर आपको गोला लगाना है। संज्ञा की विशेषता बताने वाले, सॉरी, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सर्वनाम। जैसे राम अच्छा लड़का है तो राम संज्ञा है, अगर राम न बोलकर बोला जाए वह अच्छा लड़का है तो वह क्या है? सर्वनाम है, ठीक है। चलिए, मैं कई रंगों में पाया जाता हूँ, क में दिया है, इसमें आपका सर्वनाम क्या है उस पर आपको गोला लगाना है। मैं सर्वनाम है, ठीक है। तो मैं पर आप सभी गोला बना लीजिए बच्चों, यहां पर बता दें। देखिए तीसरे का क है, मैं पर आप सभी गोला बना लीजिए। इसके बाद ख में है स्वास्थ्य, हमारे लिए अनमोल खजाना है, तो हमारे क्या है? सर्वनाम है, इस पर भी आप सब गोला बनाइए। ग में है यदि आप कूड़ा इधर उधर फेंकेंगे तो गंदगी फैलेगी, तो इसमें सर्वनाम आपका है आप, आप पर गोला बनाइए। उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है, उसका सर्वनाम है, इस पर आप सभी बच्चे गोला बना लीजिए, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया सबके। चौथा देखिए, पढ़िए समझिए और एक शब्द स्वयं लिखिए, दिया है ना। तो बच्चों आज आप सब इतना ही कीजिए, ठीक है, इसे अपनी पुस्तक में लिखिएगा, फिर CW की कॉपी पर, फिर फेयर कॉपी पर, ठीक है, इतना काम आज आप सभी कंप्लीट कर लेंगे। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।